हिमाचल के ज्वालियर उपमंडल में मौसम के बदलाव के चलते बच्चों में बीमारियां भी बढ़ने लगी है। सिविल अस्पताल ज्वाली में रोजाना 60 से 70 बच्चे उपचार हेतु आ रहे हैं, जो कि निमोनिया, दस्त, उल्टी या अन्य बीमारियों से ग्रस्त पाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मौसम की एकदम हुई तब्दीली के कारण विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सिविल अस्पताल ज्वाली में शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने से बच्चों को ज्वाली में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है। इससे पहले लोगों को अपने बच्चों को इलाज के लिए नूरपुर या टांडा में भटकना पड़ता था। शिशु रोग विशेषज्ञ ज्वाली डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि रोजाना अस्पताल में 60 से 70 बच्चे निमोनिया, उल्टी, दस्त व बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की तब्दीली के कारण यह बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता बच्चों के हाथ बार बार अच्छे से हैंड वॉश से धुलवाएं तथा संतुलित आहार दें। उन्होंने कहा कि तली हुई चीजों से बच्चों को दूर रखें। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। आजकल यहाँ रोज की बच्चों की ओपीडी तकरीबन 70 से 80 है ना, तो हर तरह के ही बच्चे आ रहे हैं इसमें, जैसे कि निमोनिया के बच्चे आ रहे हैं, टटियाँ और उल्टियों के बच्चे आ रहे हैं, है ना, और न्यूट्रिशनली जो बच्चे थोड़े वीक हैं उस तरह के बच्चे भी आ रहे हैं, जिनको कि घर पे डाइट अच्छे से नहीं मिल पा रही है ना, पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है डाइट को लेके बच्चों की, उस तरह के बच्चे भी आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मियाँ आ रही हैं, तो इस मौसम में ज़्यादातर हमारे पास दस्त के या खांसी जुकाम के बच्चे ज़्यादा आते हैं। तो लोगों को यही हिदायत है कि मतलब कि सेफ़ प्रैक्टिस करनी है बच्चों के साथ, बच्चों के हाथ बार बार धुलवाने हैं, खुद भी खाना बनाने से पहले हाथ अच्छे से धोने हैं, बच्चों को क्लीन रखना है, है ना, और बाकी साफ़ पानी, है ना, खाने की कुकिंग प्रैक्टिस साफ़ होनी चाहिए, है ना, तो ताकि मतलब बच्चों में कम से कम इन्फेक्शन का रिस्क हो। और बच्चों को डाइट अच्छे से देनी है, है ना, उसमें दूध भी होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए हमारा, है ना, एग्स देने हैं बच्चों को, पनीर देना है, हरी सब्जी देनी है, चपाती देनी है, है ना, सब कुछ ही होना चाहिए, है ना। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी बच्चे को ट्राई किया जा सकता है सूप बना के, है ना, या बच्चा थोड़ा बड़ा है वैसे ही खा सकता है तो वैसे भी देना चाहिए, उससे संतुलित आहार जाएगा तो हमारी सोसाइटी में बीमारियाँ भी कम होंगी, रोगों से लड़ने की शक्ति भी ज़्यादा होगी, तो बच्चे कम बीमार होंगे, निमोनिया के केस भी घट जाएंगे, उल्टी दस्त के केस भी घट जाएंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।